नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की, और सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा सत्र के बड़े घटनाक्रम की। तो इसमें आज अमित शाह की तरफ से हरियाणा में तीन बड़ी रैलियों का संबोधन उनका था। तीन रैलियां आयोजित हुई थी हरियाणा में। पहली जो रैली थी वो रेवाड़ी के अंदर थी, दूसरी अंबाला के बराड़ी के अंदर रैली थी, और तीसरी थी कुरुक्षेत्र के लाडवा में। तो तीन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हरियाणा की आज अमित शाह की रैली थी। लगातार उनके कार्यक्रम बन रहे हैं, और इससे पहले कल जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कई कार्यक्रम थे। तो ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से पूरा प्रयास है कि मैक्सिमम सीटें वो जीते, उसके लेकर जो है हाईकमान पूरी सतर्क है, सजग है। और ऐसे में वक्त वक्त पर जो है वो इस तरह से बड़े नेताओं के बड़ी रैलियां आयोजित की जा रही है। अब इसका फायदा जो है वो 5 तारीख को कितना मिल पाएगा वो तो वो वोटर ही जाने। अब बात कर लेते हैं कुमारी शैलजा की। तो सिरसा विधानसभा की जो है लोकसभा की जो सीटें हैं, सिरसा जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी विधानसभा सीट है फतेहाबाद, वहां पर बुन्ना कालावाली की अनाज मंडी, और डवाली के गोरीवाला गांव, और सिरसा के खैरपुर गांव के अंदर आज बड़े जो है वो रैली, एक जनसभा इसको हम कह सकते हैं, वो आयोजित हुए थे, जिसमें कुमारी शैलजा पहली बार इस चुनाव के अंदर चुनाव प्रचार को लेकर वो यहाँ पर पहुँची है। और इस दौरान उन्होंने अपने समर्थन में जो है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट की अपील वो कर रहे हैं। इसके अलावा आज हरियाणा चुनाव के बीच में बीजेपी के पंजाब के प्रदेशाध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उनके इस्तीफे की खबर आ रही है। हालांकि बीजेपी ने इसको अफवाह बताया है, और 2 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के अंदर गए थे सुनील जाखड़, और अब जो है वो कुछ दिन पहले से वो नाराज चल रहे हैं। और रवनीत बिट्टू जो कि लोकसभा चुनाव हार गए थे, पंजाब के नेता हैं, और उनको बीजेपी की तरफ से राजस्थान से राज्यसभा उनको भेज दिया था, तो उससे वो नाराज थे। उनको बाद में मंत्री बना दिया, तो उस बात से वो नाराज चल रहे थे, और अब जो है वो इस्तीफे की खबर आ रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है। और 30 तारीख को आगामी जो पंचायत चुनाव को लेकर मीटिंग है वो पंजाब की, वो 30 तारीख को बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग, उनके पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है। इसके अलावा हरियाणा के पंचकुला में आयुष्मान योजना के डिप्टी सीईओ डॉक्टर रवि विमल को 5 लाख की रिश्वत के साथ आज गिरफ्तार किया गया है। दरअसल अस्पताल को पंजीकृत करवाने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। आयुष्मान योजना का जो एक वो स्कीम चली हुई है उसमें हॉस्पिटलों को उनको जो है मान्यता दी जाती है कि उसका इलाज वहां पर करवाया जा सकता है। तो ऐसे में पंचकुला एंटी करप्शन ब्यूरो थाने में पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। और मूलचंद किडनी अस्पताल के मालिक हैं डॉक्टर संदीप चौधरी, उन्होंने शिकायत में बताया कि 1 अगस्त 2024 को उनका जो है पैनलमेंट लिस्ट से अस्पताल का जो नाम है वो सस्पेंड या हटाए जाने का उनको जो सूचना मिली थी, और उसके बाद वो नाम को वापिस जुड़वाने के लिए जब कार्यालय में गए तो वहाँ पर जो है वो डॉक्टर रवि विमल ने उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन वो जो उनका सौदा है वो 5 लाख रुपए में तय हुआ था। तो ऐसे में आज जैसे ही ये पेमेंट दी गई तो उसके बाद जो है वो इस तरह से अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक दलित महापंचायत संघ के प्रदेशाध्यक्ष है कुलदीप भुक्कल, उन्होंने हिसार के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसमें उन्होंने जो पीछे कुछ दिन पहले कुमारी शैलजा के जो बयानबाजी हुई थी कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं की तरफ से, उसको लेकर उन्होंने अपना पूरा गुस्सा निकाला है। और उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा के अपमान का बदला वो हुड्डा समर्थक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको हराकर और ये अपमान का बदला लिया जाएगा। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि हुड्डा खेमे के लिए चिंता की बात है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो है वहां पर जिक्र हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने आज अपने 13 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है, और 13 नेताओं
पर जो आरोप है वो यही है कि या तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है या फिर वो सक्रिय नहीं है और उनकी जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल है। तो जिन को 13 को आज निष्कासित किया गया है उसमें कलायत विधानसभा सीट से टिकट कटने से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है अनिता ढुल, उनको निकाल दिया गया है। पानीपत ग्रामीण से विजय जैन, आरक्षित सीट गुला से नरेश ढांडे, जींद से प्रदीप गिल, पुंडरी से सज्जन सिंह ढुल, सुनीता बट्ठन को 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। वहीं आरक्षित विधानसभा सीट नीलोखेड़ी से राजीव गोंदर और दयाल सिंह सिरोही, उचाणा कलां से दिलबाग संडील, दादरी से अजीत फोगाट, भिवानी से अभिजीत सिंह, आरक्षित सीट भवानीखेड़ा से सतवीर रतेड़ा और पिरथला विधानसभा से नीतमान को पार्टी से निकाल दिया गया है। और 3 नेता पहले भी निकाले जा चुके हैं, जिनको 3 जो नेता है जिनको पहले निकाला जा चुका है उसके अंदर यशपाल नागर के बेटे रोहित नागर को टिकट दिया है और उससे बागी ललित नागर ने बागी हो गया था और वो तिगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पहले ही पार्टी ने निकाल दिया था। नागर के अलावा पार्टी ने अंबाला कैंट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जो है चित्रा सरवारा है और बहादुरगढ़ सीट से टिकट कटने से नाराज राजेश जून को भी पार्टी पहले से ही उनको निकाल चुकी है, उनको पहले निकाल दिया था। कुल 16 नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये खबरें हैं बड़ी हरियाणा सत्र की। अब बात कर लेते हैं सिरसा जिला की। तो सिरसा जिला में पहले ही हमने बता दिया कि कुमारी शैलजा के आज कई जगह पर कार्यक्रम थे कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में। वहीं आज दिग्विजय चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला ने डवाली विधानसभा में हेलीकॉप्टर से दौरे किए हैं और जिन जिन गाँव के अंदर उनके दौरे थे उसके अंदर पीपली, पाना, माखा, असीर, हसू, ओडा, सालमखेड़ा, जांडवाला, जटान, चोरमार खेड़ा, खोखर, तिगड़ी, नोरंग, इनके अलावा जगमाल वाली के अंदर एक बड़ी जनसभा का आयोजित हुआ था और वहां पर हजारों की संख्या में जो है लोग उमड़े और उनको बताया गया कि जेजेपी पार्टी का जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में दिग्विजय चौटाला है उनके पक्ष में वोट की अपील। चौधरी रणजीत सिंह जो कि खुद रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है तो उनके पक्ष में आज उन्होंने वोट की अपील की है। इसके अलावा बात कर लेते हैं रानिया विधानसभा क्षेत्र की। तो रानिया विधानसभा में लगातार अर्जुन चौटाला वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, उनकी टीम लगी हुई है, डोर टू डोर अभियान चल रहे हैं, गांव-गांव में वो जा रहे हैं तो उनका बड़ा जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा है। वहीं इसी तरह से सर्वमित्र कंबोज कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनका भी पिछले जैसे ही 4 दिन पहले जो रोड शो था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो उसके बाद में उनके कार्यकर्ताओं में और खुद जो है सर्वमित्र के अंदर पूरा जोश है और उस जोश के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और पूरा दमखम लगा रखा है, गांव-गांव में वो जाकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं एलनाबाद की। तो एलनाबाद के अंदर आज चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और उनका कार्यक्रम था भरत सिंह बेनीवाल के पक्ष में कुत्ताबड़ गांव के अंदर और वोट की अपील वो कर रहे थे। तो चरणजीत सिंह चन्नी को सुनने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आए थे और चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और ऐसे में अगर एलनाबाद विधानसभा सीट से अगर उन्होंने दूसरे प्रत्याशी यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने अभय सिंह चौटाला के बारे में कहा कि अगर उनको वोट दिया गया तो वो बीजेपी के खाते में जाएगा, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए और यहाँ पर भरत सिंह को मंत्री बनाने के लिए आप इनके पक्ष में वोट करें, ऐसा उनकी तरफ से आह्वान किया गया है पब्लिक को, लोगों के जो है वो इस तरह से कहा गया है। और इसी तरह से आज कई गाँव के अंदर इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला के पक्ष में वोट की अपील के लिए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर अभियान चलाया जिसके अंदर मखुसरानी गांव के अंदर काफ़ी जोश देखने को मिला। 200-250 के लगभग कार्यकर्ता थे, गांव के हर घर में वो जाकर वोट की अपील कर रहे थे। वही महिलाओं की जो टीम है वो अलग से चुनाव प्रचार में उनके पक्ष में लगी हुई है। इसी तरह से अब बात करते हैं सिरसा विधानसभा की। तो सिरसा विधानसभा में रात के समय में
जो है गोकुल सेतिया ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जो है लाइव आए थे और वो खूब वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने गोपाल कंडा जो कि हलोपा के प्रत्याशी है, जिनको इनेलो बसपा का समर्थन है, और उन्होंने कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि उन्होंने बीजेपी का समर्थन नहीं लिया है। तो ऐसे में गोकुल सेतिया ने आरोप लगाया लाइव कि आज भी गोपाल कंडा के घर के ऊपर जो है वो बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, और उस झंडे को लाइव सेशन के अंदर ही उन्होंने दिखाया कि ये देखिए आप बीजेपी का, ये एक तरफ कह रहे हैं कि हमें समर्थन नहीं लेना है, दूसरी तरफ उनके घर पर जो है वो झंडा लगा हुआ है। तो ये एक वीडियो जो है वो खूब वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ गोपाल कांडा के कल अभय सिंह चौटाला के साथ जो है वो विधानसभा क्षेत्र के गांव में कार्यक्रम थे, वहीं लगातार गोपाल कांडा गोकुल सेतिया के खिलाफ काफ़ी कुछ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जैसे कल अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास खुद का प्रत्याशी भी नहीं है, और इसी तरह से गोविंद कांडा जो है वो भी चुनाव मैदान में अपने भाई गोपाल कांडा के पक्ष में वोट की अपील लगातार वो कर रहे हैं। अब एक बड़ा झटका इसको हम कह सकते हैं, मीनू बेनीवाल जो है वो बीजेपी के नेता हैं, और कुछ दिन पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर एक इशारा है जो है वो ये था कि अभय सिंह चौटाला के खिलाफ वोट डलवाने का एक इशारा था। लेकिन उनके लिए एक बड़ा झटका वो ये है कि ब्लॉक समिति नाथूश्री चोपटा के चेयरमैन है सूरजभान बुमरा, वो जो है उनको चेयरमैन बनाया गया था और निर्विरोध चेयरमैन उनको बनाया गया था, लेकिन कल वो बीजेपी को छोड़कर इनेलो ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा झटका है। कल जो है चारवाला गांव के अंदर एक कार्यक्रम रहेगा जिसमें अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में सूरजभान बुमरा चेयरमैन ब्लॉक समिति नाथूश्री चोपटा वो इनेलो ज्वाइन करेंगे। तो ये बड़ी खबरें आज की है, और इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने जो है लगातार हर एक बात, हर एक जानकारी, हर एक घटनाक्रम वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। विशेष तौर पर राजनीतिक जो घटनाएं हैं वो पिछले एक महीने से ऊपर हम हो चुका है, और बुलेटिन डेली हम आपको इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसे में आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं आप इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूं कि जो व्यूवरशिप है वो कम हो रही है। इसका कारण यही है कि आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप खुद देख लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें, फेसबुक पर लिंक को शेयर आप ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।